नमस्कार दोस्तों आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस दोस्तों इस वक्त हम लोग हमारे के सभी सब्जेक्ट के सुपर रिविजन सेशन कवर कर रहे हैं जिसमें आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे एक इंपॉर्टेंट थियोरी सब्जेक्ट फाउंक्शनल मैनेजमेंट यानी कि एफ एम इसके यूनिट नंबर वन के कॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं जिससे बहुत ही कम टाइम में आपका ये पूरा यूनिट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि सर मुझे तो डिटेल में देखना है तो भी हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पे इन हर एक टॉपिक के डिटेल स्टडी वीडियोस भी अवेलेबल है ही तो आप वो भी देख सकते हो और ये अच्छे से रिवीजन करने के लिए सारी चीजों को प्रॉपरली याद करने के लिए ये सेशन आपको काफी कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प होगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस देखो मैनेजमेंट एज साइंस मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ये तीनों को कंबाइन करके एक फुल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या सेपरेटली भी यहां पे 2.5 से लेके 4 मार्क्स में पूछने के लिए ये क्वेश्चन आइडियल है तो देखो मैनेजमेंट को साइंस का है तो सिंपल लेवल पे समझो कि साइंस की खास बात क्या होती है कि साइंस में कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो जो साइंस यह सिद्धांत पर वर्क करे बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स है उसी के ऊपर मैनेजमेंट भी काम करता है और इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर किया क्या सिंपली साइंस में जैसे खुद के साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज होते हैं जिसके ऊपर साइंस वर्क करता है मैनेजमेंट में भी कुछ इसी कुछ इसी तरह से प्रिंसिपल्स लॉज सब्जेक्ट वेर ये इंपॉर्टेंट चीज है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड कुछ रूल्स होंगे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण अने तेनी असर रिलेशनशिप कैन बी एस्टाब्लिश सो ये चीज जो मैंने येलो हाईलाइट की है ना दोस्तों ये आपके आंसर में खास आनी चाहिए साइंस इज द सिस्टेमेटाइज क्या कहा है सिस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टाब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ये जो दोनों सेंटेंस है उसको कवर करता हुआ ये सेंटेंस लिखा है क्या लिखा है साइंस इज अ अस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ये उनका पूरा नाम है जॉर्ज टेरी यानी कि जॉर्ज आर टेरी मैनेजमेंट टीचेस वन टू नो मतलब मैनेजमेंट में भी आपको कई सारी चीजें मतलब ये रूल्स प्रिंसिपल सीखने को मिलते हैं और मैनेजमेंट में भी साइंस जैसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके आंसर का पार्ट होना ही चाहिए आपके आंसर में ये चीज आनी ही चाहिए मैनेजमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब के फीचर्स फीचर्स मतलब के लक्षणों तो मैनेजमेंट साइंस ना अमुक लक्षणों जो मिले जेम के सिस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमने ऑलरेडी देखा यूनिवर्सालिटी यूनिवर्सालिटी मतलब सभी जगह पे एक्सेप्ट करते हैं लाइक like लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण नियम तो वो दुनिया में सभी जगह पे ऊपर से कोई चीज फेंकोगे एप्पल फेंकते हो या कुछ भी और चीज तो वो नीचे ही जाने वाली है अब चाहे वो आप अमेरिका में फेंको रशिया में फेंको या इंडिया में फेंको ये यूनिवर्सली सभी जगह पे एप्लीकेबल होता है उसी तरह से ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहती है उसमें भी बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग फैक्ट कलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर ये management भी work करता है Analysis and experiments, जैसे science के अंदर experiments करते करते हैं हैं में सब लोग experiment करते ना उसी तरह से मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड वेरीफाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल वेरिफाइबिलिटी मतलब चेक करो कि जो प्रिंसिपल है क्या ये जेन्युइन है या नहीं तो ये जो छह फीचर्स है ना दोस्तों ये आपके आंसर में जरूर आने चाहिए आपको क्या करना है एक के बाद एक लाइन में लिखना है पहले यह आगे का लिखोगे और ये मेन येलो वाला पार्ट आना चाहिए और ये छह कैरेक्टरिस्टिक्स तो को पॉज करके ये छह फीचर्स को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ये भी आना चाहिए जैसे साइंस के कुछ कुछ के प्रिंसिपल्स है वैसे ही मैनेजमेंट भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स रखता है

तो वीडियो को पॉज करके ये मैनेजमेंट एज अ साइंस को जल्दी से अपने माइंड में फिट कर दीजिए देखो आपको ये जो पूरी नोट है ये भी हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिल जाएगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम के के टाइम पे करने लिए अभी दोस्तों जैसे मैनेजमेंट को साइंस कहा वैसे ही मैनेजमेंट एक तरह से आर्ट भी है तो देखो साइंस की खास बात हमने क्या देखी थी कि साइंस के अंदर साइंस के खुद के कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स लॉज होते हैं जिसके ऊपर साइंस वर्क करता है उसी तरह से मैनेजमेंट के भी खुद के कुछ लॉस प्रिंसिपल होते हैं जिसमें मैनेजमेंट वर्क करता है इसीलिए हमने मैनेजमेंट को भी साइंस कहा अभी आर्ट क्या है तो आर्ट का मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मतलब मतलब प्रेजेंटेशन की स्किल फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो ये पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ाना है वो मेरे पास फिक्स है बट मैं वो कैसे पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए आपको अच्छा लगे ऐसा भी हो सकता है कि यार सर क्या पढ़ा रहा है बहुत बोरिंग है नींद आ रही है ऐसा भी हो सकता है या मैं आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनर्जी से तो तो ये मेरी मेरी आर्ट 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 है 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 टीचिंग क्या क्या पढ़ाना है, वो सबको पता होगा बट मैं कैसे पढ़ाता हूं दैट इज तो जैसे में क्या होता है कि हम हमारे नॉलेज को मेरे पास ये जो नॉलेज है उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट में भी यही है कि चलो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता चल गए बट पता चलने से कुछ नहीं होगा उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी इंपॉर्टेंट है तो जैसे आर्ट में नॉलेज को अप्लाई करना होता है उसी तरह से यहां पे मैनेजमेंट में भी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको एप्लाई करना होता है अपने जो इंडिविजुअल स्किल है उसके ऊपर और इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा है तो देखो आर्ट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब जो ज्ञान हमारे पास है उसको अप्लाई करना उसको यूज करना पर्सनल स्किल टैलेंट क्रिएटिव पावर डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस देखो आर्ट भी कैसी चीज है जिसको प्रैक्टिस करने से हम उसमें और मास्टर होते जाते हैं तो यहां द इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल तो जैसे आर्ट में होता है वैसे मैनेजमेंट में भी पर्सन के पास यहां पे क्या होना चाहिए एक्सपर्टीज मास्टर ग्रीप बट टू इंप्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव द दियोरिटिकल नॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज जो कि हमने क्या किया मैनेजमेंट एस साइंस में देखा कि हमको नॉलेज होना चाहिए पहले प्रिंसिपल्स का और फिर प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे वो हमें आर्ट सिखाता है है ठीक सो जॉर्ज आर टेरी क्या कहता है आर्ट वन टू डू देखो पहले जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला था कि हमको यहां पे देखो ये मैनेजमेंट टीचिस वन टू नो यहां पे नो जानो जो कहता है साइंस है मैनेजमेंट कहता है भाई मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि वो क्या कहते हैं नो no. जानो आप प्रिंसिपल्स को समझो एंड आर्ट क्या कहता है आप आप करो करो जो आप जानते हो उसको अच्छे तरीके से करो. तो पे management भी एक art है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशेंट सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज अपने पास है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट पर्सनल स्किल इनसाइट, क्लेवरनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मुझे पता है तो क्या मैं एक अच्छा मैनेजर बन जाऊंगा नहीं मुझे उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए जो कि आर्ट हमें सिखाता है कि भाई जो नॉलेज आपके अंदर है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने मुझे ये पढ़ाना है उसके बारे में पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा बट मैं आपको ये किस तरह से पढ़ाता हूं किस तरह से समझाता हूं वो मेरी आर्ट है तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है क्योंकि जो चीज आप जानते हो उसको आप अपने स्किल से इनसाइट यानी कि विजन से क्लेवरनेस वो सारी चीजों से हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करते तो ये सारी चीजें भी मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि आर्ट के साथ जुड़ी हुई है एंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज ऑल्सो नेसेसरी देखो आपको अपने नॉलेज को इंप्लाई करना है तो टेक्निकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है मतलब मैं सिंपल एग्जाम्पल दे दू ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे बट मैं क्या करता हूं लेटेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे कहीं भी कभी भी वो अच्छे से समझ सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने देखा ही होगा मेरे सारे कंटेंट को वन क्लिक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी तो ये क्या करता हूं टेक्निकल जो आर्ट है वो भी डेवलप करनी होगी ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देखूंगा भाई मैं जितनी टेक्निकल आर्ट डेवलप करूंगा मेरे स्टूडेंट का एजुकेशन उतना ही ईजी एंड टेंशन फ्री हो जाएगा तो वो आर्ट है कि मुझे पता है कि ये कंटेंट है बट स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़े स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा है टेंशन मत लो वन क्लिक सिर्फ वन क्लिक आपको सारी चीजें मिल गई स्मार्ट स्टडीज ऐप पे क्लिक किया ओपन किया आप अपने कोर्स में चले गए आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से अरेंज की हुई सारी चीजें मिलेगी कोई टेंशन नहीं लेना होगा बट इसके लिए टेक्निकल स्किल को डेवलप करना जरूरी है मैनेजर टेक्स मेक्स नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज पर्सनल स्किल एंड प्रोफिसियंसी प्रोफिसियंसी का मतलब होता है एक्सपर्टिज्म ठीक है प्रोफिसियंसी का मतलब एक्सपर्टिज्म और मैनेजर यूज हिज नॉलेज ये सेंटेंस जरूर आना चाहिए मैनेजर क्या करता है यूज हिज नॉलेज टैलेंट एंड स्किल इन एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग विच इज यूजफुल फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्ट देखो एज अ मैनेजर मैं मेरे पास जो नॉलेज है फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट का मेरे पास जो टैलेंट है स्किल है लाइक टेक्निकल स्किल है प्रॉपर प्लानिंग करने की स्किल है ये समरी नोट्स रिवीजन नोट्स आपके पास आपके लिए बनाने की स्किल है उन सब का मैं क्या करूंगा अप्रोप्रिएट यूज करूंगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन साहस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है क्या है वे स्टूडेंट टेंशन फ्री एग्जाम दे सके बेहतरीन रिजल्ट स्कोर करें ये साहस इंस्टीट्यूट का एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सभी स्टूडेंट का बेस्ट रिजल्ट मिले उनको एग्जाम का टेंशन का कोई लोड ना हो प्रिपरेशन से वो डरे नहीं एग्जाम में स्कोर करें तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा अगर मैनेजर अपने नॉलेज के साथ साथ ये टैलेंट स्किल और प्रॉपर डिसीजन लेगा तो तो ये आपके आंसर में जरूर आना चाहिए ये सेंटेंस एक्स्ट्रा है क्लियर तो ये मैनेजमेंट एज आर्ट हो गया ये भी दोस्तों आपको 2.5 से लेके 4 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है टू टू फोर मार्क्स और अब इसके बाद जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ये थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है और उसके बाद उसके बाद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों के हैं कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला है किसके ये नहीं बोला है तो मैं दोनों के कवर करवाऊंगा एक एफडब्ल्यू ट्रेलर मतलब फेडरिक विंसल ट्रेलर एंड दूसरे जिसने वो चौदह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए है अपना हेनरी फेॉल जिसके चौदह प्रिंसिपल है ये दोनों में से कन्फर्म लिख लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाला है तो ये दो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है तो सेशन को पूरा ध्यान से समझ लेना नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन तो देखो प्रोफेशन प्रोफेशन लाइक टीचर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक डॉक्टर लॉयर ये क्या है एक प्रोफेशन है तो मैनेजमेंट को भी पे प्रोफेशन कहा है क्यों कहा है तो देखो प्रोफेशन का मतलब क्या है मतलब आपको, आपकी का तो मुझे लॉ की जानकारी होनी चाहिए मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूं टीचर हूं तो मुझे जो पढ़ाना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए मतलब स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए देखो जो येलो हाईलाइट किया ये ये रिवीजन सेशंस वो देख लो आपकी एग्जाम बहुत बढ़िया लेवल पे जाएगी डॉक्टर होगा तो आपको ये बोलेगा ये खाओ ये मत खाओ ये दवाइया ले लो एडवाइस देते हैं एंड उसके बदले में वो क्या चार्ज करते हैं फीस चार्ज करते हैं हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी सर्विस उसके बदले में फीस दो तो ये प्रोफेशन होता है लाइक डॉक्टर लॉयर चार्ट अकाउंटेंट इंजीनियर टीचर्स एटसेट्रा अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के तौर पे भी पूछ सकते हैं मतलब के लक्षणों अथवा लाक्षणिकताओं दोस्तों ये क्वेश्चन है ना आपको फाइव टू एट मार्क्स तक काम लग सकता है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अभी हम इसके पांच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं

फीस पे बेहतरीन एजुकेशन लेके अपने पढ़ाई का टेंशन कम करे नॉलेज और रिजल्ट बढ़ाए गॉड ब्लेस जय हिंद रुको जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो तो याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो पांच टाइटल याद रहे टाइटल याद रहेंगे आप अंदर लिख पाओगे देखो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्पेशल नॉलेज चाहिए लाइक like अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, की डिग्री होनी चाहिए। मुझे अगर आपको की मुझे तो ही नहीं आता है और मैं टीचर बन गया ऐसा कैसा चलेगा डॉक्टर है तो डॉक्टर की मेडिकल प्रैक्टिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए तो देखो क्या कहा है प्रोफेशनल्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स और उसके लिए क्या जरूरी है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब एक एजुकेशन और ट्रेनिंग ये दो जरूरी है साथ में इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग में आपके लिए समरी नोट लिखूंगे ना ये मेन मेन वर्ड वो आपको याद रखना है वो याद रहेंगे आराम से आपको बाकी की चीजें याद रह जाएगी ये आपके आंसर में आजाना चाहिए नॉलेज एंड रिसर्च तो देखो लाइक अदर प्रोफेशन ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इंक्रीज इन द नॉलेज एंड रिसर्च इन द मैनेजमेंट तो मेन क्या याद रखना है इंक्रीज इन रिसर्च एंड नॉलेज ये आपके आंसर में ये सेंटेंस आ जाना चाहिए प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि ग्रुप होगा एक बॉडी होगी जिसके मेंबर आप होंगे तो बी द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक फॉर एग्जांपल आप लॉयर हो तो लॉयर जो है वो क्या होगा बार काउंसिल का मेंबर होगा बार का मेंबर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आईसीएआई का मेंबर होगा देन यहां पे क्या होगा कि एक अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या होता है कि यहां पे एक एसोसिएशन के मेंबर आपको बनना पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट फॉलो जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो प्रोफेशन के लिए के फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे आप उसका मिस यूज नहीं करोगे आप पैसों के लिए गलत काम नहीं करोगे वगैरह वगैरह तो वो प्रोफेशनल एसोसिएट